शिवसेना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भटगांव नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ मोर्चा निकालकर आंदोलन किया गया और नगर पंचायत भटगांव में हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी न देने पर शिवसेना की मांगों को पूरा न करने से शिवसेना ने नगर पंचायत अधिकारी का पुतला दहन कर रैली भी निकाली। शिवसेना की शेर चले, महादेव महादेव, जनहित के सम्मान में शिवसेना मैदान में, शिवसेना मैदान में, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवसेना के द्वारा अभी करीबन 4 महीने पहले से हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन इस प्रकार था कि डिबरा पारा और कांजी हाउस है जो इनको ना लगातार ना यहाँ की जो को प्राइवेटाइजेशन करके बेचा जा रहा था, तो शिवसेना ने ज्ञापन लगाया था और ज्ञापन के माध्यम से जानकारी ली जा रही थी, लेकिन जानकारी तो अभी तक नहीं हुई। 15 दिन पहले हमने और एक लेटर दिया था, उस लेटर पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज हमने 2 दिन पहले लेटर दिया था कि अगर हमें जानकारी नहीं मिलती तो हम उग्र आंदोलन करते हुए और ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनका पुतला दहन करेंगे। और जैसे ही आज हम लोग इस भटगांव के बस स्टैंड में आए, वहाँ के अधिकारी हैं कोई सीमा करके हैं मैं नहीं जानती, वो हमारे आंदोलन के बीच में सामने आ गए। ये तो लगातार भ्रष्टाचार है, गलत है, आप अगर आंदोलनकारियों के बीच में कैसे आ सकते हैं। इनका विरोध था, विरोध के फलस्वरूप इन्होंने 15 दिन पहले जो है कलेक्टर साहब को आवेदन किए थे, इनके द्वारा गलत गलत काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इस बाबत गगन वैष्णो ने कल शाम को थाना में सूचना दिया था कि हमको बल प्रदान किया जाए, परंतु इसने ये सूचना नहीं दिया था कि क्या कहते हैं कि इसमें अब पुतला दहन किया जाएगा, इस एडिंग से नहीं दिए थे, परंतु नीचे विवरण में लिखे थे कि हमने 15 दिन पूर्व कलेक्टर साहब को अवगत कराया है और ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस तारीख को 25 तारीख को बस स्टैंड में मधुलिका सिंह का पुतला दहन करेंगे। रैली के साथ मैं आया था यहाँ पे, इनका कार्यक्रम शांतिपूर्वक चला है, कोई अप्रिय बातें नहीं, इनका कार्यक्रम बस स्टैंड में चल रहा था। मधुलिका सिंह भी जो है मतदाता जागरूकता रैली के रूप में अपने क्या कहते हैं पार्षद अन्य महिलाओं और पुरुषों के साथ आई थी। प्राइम भारत टीवी के लिए भटगांव से बसंत सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।